ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। तो गाइस आज की जो हमारी वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। तो गाइस इस वीडियो में जितने भी बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज़ करूँगा सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप सिंपल वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। तो चलिए गाइस आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। ओके सो गाइस पहले आप सभी को करना है कि आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करके फिर पिक्सआर्ट में ओपन कर लेना है। एंड उसके बाद जाना है गाइस आप सभी को ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को अपने मॉडल का पीएनजी ले लेना है। एंड अपने मॉडल का पीएनजी गाइस आप सभी को कुछ स्टेप्स यहाँ पे ऐड कर लेना है। एंड गाइस आप सभी को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मतलब कि ऊपर की तरफ जो है थोड़ा सा आप सभी को स्पेस रखना है, क्योंकि यार हमें अभी यहाँ पे टेक्स्ट पीएनजी लगाना है, तो आप सभी को उसके लिए इतना जगह छोड़ देना है। एंड उसके बाद यहाँ पे आप सभी को मॉडल को इतना लगा देना है। एंड इसके बाद आप सभी को करना है कि यहाँ से जाना आप सभी को ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को यहाँ से लेना है एक शेडो का पीएनजी, जो कि मैंने आप सभी को दे रखा है, तो आप सभी को उसको डाउनलोड कर लेना है। एंड यहाँ पे कर देना ऐड, ठीक है। इस शेडो को पीएनजी को आप सभी को कहाँ लगाना है, आप सभी को लगाना अपने पैरों के नीचे। एंड इसको आपको एक शेडो नहीं लगानी है, आपको ओनली एक पैर पर एक शेडो लगानी है ये वाली। तो उसके लिए आप सभी को करना है कि आप सभी को थोड़ा जूम कर लेना है इसको। एंड इसको आप गाइस जितना छोटा लगाओगे उतना अच्छा लगता है, मैंने एक चीज़ आप नोटिस करी थी इसमें, आप इस शेडो को जितना छोटा लगाते हो उतना अच्छा लगता है। तो पहले हम इसको ना यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके लेते हैं यहाँ पे। एंड इसको जो साइज़ है इसको छोटा कर लेते हैं, इसको थोड़ा चौड़ा कर लेते हैं, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हम इसको कर देने के बाद हम इस पे शेडो पे एक बारी और थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं इसको। एंड यहाँ पे लगा देते हैं। एंड जो है गाइस इसके बाद जो है इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे डुप्लीकेट, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे शेडो पे क्लिक करेंगे। एंड आप सभी को यहाँ पे साइड सॉरी गाइस यहाँ पे हम पहले शेडो पे क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पे साइड में आप सभी को ऑप्शन दिख रहा होगा डुप्लीकेट का, आपको उसको डुप्लीकेट कर देना है। एंड उसके बाद आप सभी को इसको यहाँ पे लगाना है आपको पूरे पैर के पास, ठीक है। आपने इसको वहाँ पे ओनली आपने इसके वहाँ पे पंजों के पास लगाया था, अब इसको आपको पूरे पैर के पास लगाना है, ठीक है। इसको यहाँ पे लगा देने के बाद आप सभी को कुछ इस टाइप से यहाँ पे लगा देना है। एंड यहाँ पे आप सभी को पूरा रोटेट कर लेते हैं इसको हम यहाँ पे। एंड उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से लगा देते हैं, ठीक है। तो इतना कर देने के बाद आप सभी को क्या करना है, फिर इसके बाद आप सभी को यहाँ पे एक बार हम टैप करेंगे। एंड उसके बाद हम इसको थोड़ा छोटा कर फोटो को पूरा वो कर जूम आउट करेंगे। एंड आप उसके बाद देखेंगे तो गाइस देखिए यहाँ पे जो है हमारी फोटो में परफेक्ट शेडो लग चुकी है, तहाँ से कर लिया हमने डन। एंड यहाँ से जाएंगे हम अगेन ऐड फोटो में। एंड आप सभी को ये रिंग लाइट का पीएनजी मैंने दे रखा है, तो आप सभी को इस पीएनजी को भी डाउनलोड कर लेना है। एंड यहाँ से कर देना ऐड। एंड उसके बाद आप सभी को इसको फुल स्क्रीन कर देना है, ऑटोमेटिकली आपके इस बैकग्राउंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना कर देने के बाद आप सभी को यहाँ से कर देना साइड में डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डन। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को एक टेक्स्ट पीएनजी है, ठीक है, तो उस पीएनजी को लेना है। तो ये पीएनजी रहा, तो इसको ले लेना है। एंड इसको आपको सिंपली फुल स्क्रीन इसको भी कर देना है, ये भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेट हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार हम इस पर क्लिक करते हैं। एंड उसके बाद हम इसको सिंपली जूम करते हैं। एंड ये देखिएगा ये भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेट हो गया है। तो अब इसको कर देने के बाद आप सभी को करना है क्या, यहाँ से कर देना है डन, ठीक है। तो एक आप सभी को एक शेडो का मतलब कि डार्क शेडो का एक और पीएनजी दे रखा मैंने, तो पहले आप उसको ले लो, ठीक है। तो उसको भी डाउनलोड कर लेना। एंड ऐसे मैं उस पीएनजी को ले लेता हूँ। एंड इसके बाद ऐड पे क्लिक करके एंड इसके बाद इसको ही फुल स्क्रीन कर देना, ये भी ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, ठीक है। इतना कर देने के बाद आप सभी को यहाँ से कर देना है डन। एंड इसके बाद गाइस आप सभी को जाना है यहाँ से, आपको अब ये ऊपर की तरफ जो मतलब कि एफएक्स वाला ऑप्शन है आप सभी को उसमें जाना है। एफएक्स वाला ऑप्शन जाने के बाद आप सभी को ब्लर में जाना है, फर्स्ट ब्लर में। एंड इसके बाद इसका जो अमाउंट आप सभी को रखना है अराउंड 3 या 4 तक, ठीक है, बट 2 तक रखना आप, ठीक है। तो इतना 2 तक रखोगे तो वो भी बेटर रहेगा। एंड उसके बाद आप सभी को उसको साइज को थोड़ा छोटा करके एंड उसके बाद आप सभी को अपने फेस के ऊपर कुछ इस टाइप से पेंट करना है इस ब्लर को, ठीक है, कुछ इस टाइप से पेंट कर लेना है। एंड जो है इसको ब्लर करने का मतलब हमारे ये गाइस की मतलब कि जो हमारी फोटोज़ होती है ना, जब हम उसको मॉडल को अपने छोटा करके लगाते हैं उसमें, तो यार हमारे मॉडल के जो पिक्सल्स होते हैं थोड़े ख़राब हो जाते हैं, तो यार वो ना फेस पर ज़्यादा दिखता है, तो इस ब्लर से ना वो ब्लर थोड़ा ठीक हो जाता है। तो ये ब्लर का ऑप्शन इसलिए यूज़ करते हैं। तो गाइस आप भी कभी ऐसे का अगर आपका मॉडल कहीं छोटा लगाते हो तो वहाँ पर आप कोशिश करना कि ये करो तो आपकी फ़ोटो में बेटर लुक आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर नेक वगैरह पे हमने सब जगह कर लिया है, ठीक है। तो उसके बाद आप सभी को आगे क्या करना है मैं आप सभी को बताता हूँ। तो यहाँ से कर लेना है डन, ठीक है। इतना कर देने के बाद आप सभी को जाना है टूल्स में जाने के बाद जाना एडजस्ट में। एडजस्ट में जाने के बाद आप सभी को जो ब्राइटनेस इसको बढ़ा देना है, नेक्स्ट जाना इरेजर टूल में, नेक्स्ट कर देना इन्वर्ट। एंड ब्रश की साइज़ को छोटा थोड़ा सा कर लेना है। एंड इसके बाद जूम करना है। एंड जूम करने के बाद आप सभी को फेस पे करना है डोजन बन। तो एक लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे, पर एक कर लेंगे यहाँ पे और एक कर लेता नोज़ के ऊपर, ठीक है गाइस। एंड इतना कर देने के बाद एंड एक कर लेता नेक पे, एंड बस इतना ही। एंड उसके बाद जो है यहाँ पे बाकी का जो गलती से यहाँ पे पेंट हो गया उसको हम पहले इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा हो गया है, तो इसको भी हम यहाँ पे इरेज कर लेते हैं। एंड ऐसे कर लेते हैं डन, ठीक है। तो यहाँ से डन कर लेते हैं। एंड जिसका अमाउंट आप सभी को कुछ अराउंड 5 या 4 तक रख लेना है, ठीक है। इतना कर देने के बाद आप सभी को कर देना है डन, ठीक है। एंड उसके बाद जाना आप सभी को अगेन टूल्स में जाने के बाद जाना फिर एडजस्ट में। एडजस्ट में जाने के बाद आप सभी को उसकी जो ब्राइटनेस उसको पूरा आगे की तरफ बढ़ा देना है। एंड ऐसे कर देना जाना इरेजर टूल में, इन्वर्ट करके ब्रश के साइज को थोड़ा छोटा करके
एंड उसके बाद आप सभी को ये अपने हैंड पे एंड अपनी पूरी बॉडी के ऊपर डोजन बन करना, ठीक है। तो एक पेंट यहाँ पे भी कर लेते हैं और एक यहाँ पे कर लेते हैं और एक यहाँ पे भी कर लेते हैं, ठीक है। तो इतना कर लेने के बाद आप सभी को करना क्या है, यहाँ पहले मंडो करते हैं यहाँ पे, फिर इसको करने के बाद आप सभी को थोड़ा पेंट के ऊपर भी कर लेते हैं अपनी, ठीक है। तो एक पेंट यहाँ करते हैं और एक यहाँ कर लेते हैं एंड यहाँ से जो जो हमारा मतलब कि गलती से पेंट हो गया हम इसको पहले यहाँ पे इरेज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको भी इरेज कर लेते हैं एंड यहाँ पे भी थोड़ा सा हो गया है तो इसको भी इरेज कर लेते हैं एंड ऐसे कर लेते हैं डन, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे जो हमारा यहाँ का भी काम हो चुका है तो इसको हम थोड़ा सा अमाउंट इसका बढ़ा के रखेंगे अराउंड 12-13 तक, ठीक है। एंड इसको करते हैं डन एंड ऐसे सब कर लेंगे अपनी फोटो का हम सेव, क्योंकि अब हमें करना है इसमें कलर करेक्शन जो कि हम करते लाइट रूम ऐप के अंदर। तो चले गए जहाँ से चलते हैं अब बैक एंड गाइस, जब तक हमारा लाइट रूम ऐप ओपन हो रहा है और यार अभी तक आप सभी ने किसी ने भी भाई ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया होता यार, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना यार, क्योंकि यार आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है एंड यार वीडियो लाने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप में से कोई भी भाई चैनल पर नया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि यार आप सभी को ऐसे ऐसे कंटेंट मिलते रहे एंड जो भी मैं वीडियो डालूँ उसकी अपडेट सबसे पहले मिले। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए गाइस अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस हमारी जो है फोटो यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है एंड यहाँ पे हमने अपनी फोटो को ओपन कर लिया लाइट रूम ऐप के अंदर। तो अब आप सभी को करना क्या है, आप सभी को जाना है ऐसे लाइट वाले ऑप्शन में एंड उसके बाद जो इसका कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देना है एंड जो हाईलाइट्स है इसको भी आपको बढ़ा देना है, ठीक है। एंड इसके बाद जो शेडो है आप सभी को इसको भी इंक्रीज कर देना है एंड उसके बाद जो वाइट है इसको भी बढ़ा देना है, ठीक है। एंड जो ब्लैक है इसको आपको थोड़ा कम कर देना है एंड उसके बाद जाना आपको कलर्स वाले ऑप्शन में एंड उसका जो वाइब्रेशन है इसको बढ़ा देना है एंड जो इसका टेम्परेचर है इसको माइनस में रख देना है एंड उसके बाद जाना आप सभी को मिक्स में एंड इसका जो ऑरेंज कलर आप सभी को इसको लेना है एंड इसके सैचुरेशन को माइनस कर देना है एंड उसके बाद आप सभी को जाना है ऐसे येलो कलर में एंड अगर आप चाहो तो इसका बैकग्राउंड ऑरेंज भी कर सकते हो, आप बिल्कुल माइनस कर दो ह्यू तो ऑरेंज भी कर सकते हो एंड बाकी प्लस कर दो बिल्कुल तो ये डार्क येलो भी हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है बट हम क्या करेंगे इसमें हल्का सा माइनस रखेंगे ह्यू को एंड उसके बाद सैचुरेशन हल्का सा प्लस रखेंगे एंड ब्लू कलर है जिसको हम स्काई ब्लू करेंगे, ठीक है। तो इसको हम ह्यू को चेंज कर देंगे थोड़ा सा एंड सैचुरेशन को बढ़ा देंगे एंड यहाँ से कर देंगे डन, ठीक है। तो हमारा जो है यहाँ का कलर्स का काम हो चुका है। तो उसके बाद अब क्या करना है, आपसे नीचे वाले टूल में फोटो की जो क्लियरिटी आपसे उसको इंक्रीज कर देना है, फोटो में जो हल्का सा विग्नेट डाल देना है एंड उसके बाद जो ग्रेन अमाउंट आपको उसको भी थोड़ा सा बढ़ा देना है एंड उसके बाद गाइस आप सभी को जाना है नीचे वाले टूल में फोटो जो शार्पनेस आप सभी को इसको बढ़ा देना है एंड जो नॉइज रिडक्शन है इसको भी बढ़ा देना है, ठीक है। इतना कर देने के बाद आप सभी को कलर नॉइज रिडक्शन को भी बढ़ा देना है एंड यहाँ से चलना फिर बैक। तो गाइस यहाँ पे जो हमारी फोटो परफेक्टली एडिट हो चुकी है गाइस, ठीक है। तो आप सभी को देखो बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरी फोटो बिल्कुल परफेक्टली एडिट हो चुकी है यार, आई होप यार आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो और गाइस कमेंट करके बताना यार वीडियो कैसी लगी एंड यार आप में से कोई भी भाई अगर मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आप सभी को सारी अपडेट ऐसे मिलती रहे। तो चलिए गाइस मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।